उत्तराखंड चंपावत विजुअल एसपी देवेंद्र पिंचा के स्थानांतरण के बाद चंपावत जिले की कप्तान नव आगंतुक एसपी अजय गणपति कुंभार ने संभाल ली है। पहली बार मुख्यमंत्री के जिले की कमान संभालने के बाद एसपी अजय गणपति ने जिले के समस्त पुलिस उपाधीक्षक, समस्त थाना प्रभारी, एसओजी टीम, एलआईयू के अधिकारियों के साथ बैठक की तथा जिले की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए। प्रेस वार्ता करते हुए एसपी अजय गणपति ने कहा, उनका पहला फोकस नशा उन्मूलन पर रहेगा, खासकर स्मैक पर। एसपी ने कहा, नशा तस्करों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा जिले की यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। एसपी अजय ने कहा, मार्च में जिले में चलने वाले प्रसिद्ध माता पूर्णागिरी मेले को शांतिपूर्ण संपन्न करवाना उनकी वरीयता रहेगी। इसके लिए जिले के अनुभवी पुलिस उपाधीक्षकों व पुलिस कर्मियों के अनुभव का लाभ लिया जाएगा। मेरी यह प्राथमिकता रहेगी जिले में जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का मिशन है ड्रग फ्री देवभूमि। सबसे पहले तो एनडीपीएस को लेकर हम लोग बहुत ही सीरियसली काम करेंगे और उसमें उसकी रोकथाम के हेतु और निरोधात्मक कार्रवाई को बढ़ाने के हेतु प्रयास करेंगे। दूसरी हमारी प्राथमिकता यह है कि विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग जो है उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी तहरीर लेके जो थाने पहुंच रहा है उसकी तहरीर सुनी जाए और अगर उसमें कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो उसमें डेफिनेटली विधिवत जो भी कार्रवाई है वो पुलिस स्टेशन द्वारा की जाए। और इसी के संबंध में मैंने सारे मेरे अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं आज के मीटिंग में। इसके अलावा चंपावत जिले की जो बॉर्डर है उसमें इंटरनेशनल बॉर्डर भी आती है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग रहे और कोई भी इस तरीके की गतिविधि ना हो जो मतलब क्राइम क्रिमिनल या एंटी सोशल एलिमेंट के द्वारा कोई गतिविधि ना हो, और उनको उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ट्रैफिक में भी सुधार लाने का हर संभव प्रयास हम लोग करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।